गुड इवनिंग क्लास, वेलकम बैक टू एडी स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्मार्ट लर्नर्स की तरह स्मार्ट क्लास को ज्वाइन करते हैं। चलिए फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है वो कैप्स, और वो कैप्स में हमारा टॉपिक इस टाइम आज एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का फोबिया। फोबिया मीन्स क्या होता है? जैसे कि नाम से क्लियर है, किसी चीज़ का कुछ नेगेटिव वर्ड लग रहा है आपको, तो फोबिया मीन्स होता है डर। जब आपको किसी भी चीज़ का, डिफरेंट लोगों को डिफरेंट टाइप के डर लगते हैं। किसी को स्नेक से डर लगता है, किसी को फूलों से डर लगता है, किसी को अंधेरे से, किसी को कन्फाइन स्पेस से डर लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फोबिया। अलग अलग टाइप के फोबियाज होते हैं, तो इनको हम एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हैं कि कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपकी ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 2 से 3 मार्क्स कवर करते हैं मिनिमम। तो चलिए इसको कवर करते हैं आज। हमारा फर्स्ट वर्ड है एरेंकोफोबिया। एरेंकोफोबिया क्या हो जाता है आपका? ऐसा फोबिया जो आपका स्पाइडर, स्पाइडर क्या होती है? जो मकड़ी होती है ना, जैसे आपने कई बार देखा होगा आप ऐसी प्लेसेस में जहाँ रेगुलर बेस पे नहीं विजिट करते हो, जैसे कि बेसमेंट हो गया या कोई भी ऐसा रूम हो गया जहाँ पे आप रेगुलर नहीं जा रहे हो, फ्रिक्वेंटली आपकी विजिट नहीं हो रही है। जब आप वंस इन अ वाइल जा रहे हो, स्टोर रूम हो गया, वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत तरह से जाले लग जाते हैं और वहाँ पे मकड़ी होती है। लोगों को उससे बहुत डर लगता है कि नहीं जाएंगे, वो काट लेगी। तो क्या हो जाएगा? जो उसका डर होता है आपको, वो काटे ना काटे वो अलग चीज़ है, अगर आपके अंदर वो डर बैठ गया तो उसको क्या बोलेंगे? एरेंकोफोबिया। एग्जाम्पल, अवॉइडिंग प्लेसेस, ऐसी जगह को अवॉइड करना वेयर स्पाइडर्स में भी प्रेजेंट, जहाँ पे स्पाइडर क्या हो सकती है? हो सकती है, सच एज बेसमेंट। बेसमेंट होता है ना, जो अंडरग्राउंड एरिया होता है आपके घर का, वहाँ पे हो सकती है, क्योंकि वहाँ हम फ्रीक्वेंटली विजिट नहीं करते हैं। और एटिक्स, एटिक्स मीन्स क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एटिक्स? एटिक का मतलब होता है, पहले के टाइम पे लोगों के घर में क्या होता था, डबल लेयर वाली रूफ होती थी, जिसको हिंदी में अगर हम बोले तो टाड कह सकते हैं। जैसे आप देखते हो ना कि आप स्टोरेज के लिए, उस लोगों के पास पहले ज़्यादा स्पेस नहीं होता था या अपने सामान को स्टोर करने के लिए वो टाड़ का यूज़ करते थे, उसको बोलते हैं एटिक्स। या फिर आपने कई बार सुना होगा एक वर्ड होता है अटारी, उस टाइप का होता है, उसको बोलते हैं एटिक्स। तो आपका मेन वर्ड क्या है? एरेंकोफोबिया। आपको जब स्पाइडर से डर लगता है तो उसको क्या बोलेंगे? एरेंकोफोबिया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड, एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मीन्स जब किसी को हाइट से डर लगता है, सपोज कोई 2 फ्लोर की भी बिल्डिंग है या 50 फ्लोर की भी बिल्डिंग है, किसी को इस हाइट पे आने के बाद डर लगता है। जैसे हम नीचे देखते हैं ना, या झूले पे भी बैठते होते हैं, कई बार होता है ना कि फेयर में जा रहे झूले पे बैठ रहे हैं, वहाँ से डर लग रहा है, या बहुत ज़्यादा ऊंची हाइट की बिल्डिंग है, माउंटेन है, ऊंची कोई भी प्लेस हो सकती है, वहाँ से अगर आप नीचे देखते हो आपको डर सा लगता है कि भले आप गिरो ना गिरो। कई बार होता है ना कि आपने चाइना में भी देखा होगा, चाइनीज चीज़ों में भी ऐसे तरह के ब्रिज बन रहे हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, वहाँ से नीचे देखने में अगर आपको डर लग रहा है तो आपको कौन सा फोबिया है? एक्रोफोबिया। इसको याद करने का एक इंटरेस्टिंग वे है कि आप क्रो से याद करो। क्रो कहाँ बैठता है आपका? क्रो हाइट पे बैठता है, तो हाइट से क्या हो गया, कौन सा फोबिया? एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स। एग्जांपल में देखते हैं, फीलिंग इंटेंस एंजाइटी। आपको बहुत इंटेंस मतलब बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होगी कि लगेगा नहीं हम गिर पड़ेंगे, अचानक से एकदम से रूह कांपती है, गूज बम्प होते हैं। तो व्हेन लुकिंग डाउन फ्रॉम अ टॉल बिल्डिंग, अगर आप बड़ी सी ऊंची सी बिल्डिंग से नीचे देखते हो आपको एंजाइटी फील होती है, या माउंटेन से देखते हो, तो आपको कौन सा फोबिया हो जाएगा? एक्रोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका एगोराफोबिया। एगोरा मीन्स फोबिया हो जाएगा आपका, जैसे लोगों को क्या होता है बहुत ज़्यादा ओपन प्लेस में जाने पे प्रॉब्लम होती है कि वहाँ से निकल कैसे पाएंगे, वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है, या लोगों से मिलना बहुत दिक्कत उनको देता है, उसमें बोलते हैं। मोस्टली आपका ये जो क्राउडेड प्लेस होते हैं ना, जैसे फेयर होता है या कोई भी पूजा होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फेयर में बहुत भीड़ होती है, क्राउडेड प्लेस होता है, वहाँ के लोगों के लिए फियर ऑफ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन से डर लगना कैसी, वेयर एस्केप माइट बी डिफ़िकल्ट, जहाँ पे एस्केप मतलब बचना बहुत मुश्किल हो सकता है, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, यहाँ से हम कैसे निकल पाएंगे। कुछ लोग होता है ना पार्टी वगैरह में भी जाने से डरते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे, मुझे देख लेंगे, मैं परेशान हो जाऊँगा, मुझसे कुछ पूछ लेंगे, अलग अलग टाइप की सिचुएशन हो सकती हैं, बट लोगों से आपको या ओपन स्पेस से आपको डर लगता है। माइट मीन्स क्या होता है? हमने कल की क्लास में पढ़ा था, माइट मीन्स पॉसिबिलिटी, हो सकती है, हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगे, सिचुएशन कंफर्म नहीं कि आप वहाँ से निकल सकते हो कि नहीं, बट पहले से हमने अपने माइंड को मेकअप कर लिया कि वहाँ पे
हमको डर लगेगा लोगों से मिलने में। देखते हैं एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अवॉइडिंग क्राउडेड प्लेसेस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ ऐसी जगहों को अवॉइड करना, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बस या ट्रेन से ट्रैवलिंग करने को अवॉइड करना, ओपन स्पेसेस जैसे बीच वगैरह हो जाते हैं, ड्यू टू फियर ऑफ नॉट बींग एबल टू स्केप, आपको लगेगा वहाँ से तो नहीं जा पाएंगे, अगर मैं यहाँ से गए इन्होंने देख लिया इन्होंने मना कर दिया, तो ऐसी जगह पे क्या हो जाएगा आपको एगोराफोबिया। नेक्स्ट वर्ड क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रिपीटेडली पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस, ऐसी जगह से डर लगना जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा सफोकेशन का प्रॉब्लम हो रहा है। कई बार ऐसे रूम होते हैं जहाँ पे प्रॉपर विंडो नहीं होती है या आपको सफोकेशन होती है, बेसमेंट होते हैं, तो वहाँ का जब डर लगता है कि हमको सांस नहीं आ रही, ब्रीदिंग इशू हो रहा है, तो ऐसी जगह को क्या बोलते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया। कन्फाइंड मीन्स होता है कंजस्टेड एरिया और क्राउडेड स्पेसेस, कई बार होता है ना लोगों बहुत ज़्यादा भीड़ होती तो भी आपको ब्रीदिंग इशू होने लगता है, तो ऐसे कैसे बोलेंगे, पैनिक इन स्मॉल रूम, बहुत छोटा सा रूम है जहाँ पे सिर्फ एक गेट बना हुआ, किसी भी तरह की विंडो नहीं है, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं हो रखा है, तो आपको लगेगा कि हमें ब्रीदिंग इशू हो रहा है, सफोकेशन फील हो रहा है, तो वहाँ पे कौन सा फोबिया हो जाएगा आपको, क्लस्ट्रोफोबिया। क्राउडेड प्लेस में वहाँ पे भी आपको ब्रीदिंग इशू लगता है। MRI स्कैनर होता है, जब आप किसी भी ट्रीटमेंट से पहले स्कैनिंग वगैरह करवाते हो, MRI स्कैनर में क्या होता है, आपको एक मशीन के अंदर ले जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपको कंजस्टेड लगता है कि हमको सांस नहीं आएगी, ऐसा तो नहीं हम मर जाएंगे या ऐसा तो नहीं हमें कुछ हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको जिस तरह का फोबिया लग रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड ओफिडियोफोबिया, ओफिडियोफोबिया क्या होता है, कुछ लोगों को स्पाइडर से डर लगता है, कुछ लोगों को सांप से डर लगता है, सांप देखते हुए अचानक से डरने लगते हैं। फियर ऑफ स्नेक, कई लोग होते हैं ना ऐसी जगह पे भी जाना बंद कर देते हैं जहाँ पे उन्होंने एक भी बार सांप देखा होता है। रिफ्यूजिंग, रिफ्यूज मतलब मना करना, रिफ्यूजिंग टू विजिट प्लेस लाइक जू और पार्क, जू और पार्क में जाने से मना कर देते कि नहीं वहाँ पे नहीं जाएंगे, क्या हो सकता है कि वहाँ पर स्नेक हो। कई बार होता है ना रेनी सीजन में लोग जाते हैं, घास होती है तो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, वहाँ पे अचानक से उन्होंने कभी भी स्नेक को देख लिया, उसके बाद से उनके माइंड मेकअप हो जाएगा कि वहाँ पर स्नेक हो सकता है, वहाँ वो हमको काट लेगा, तो वो जो डर बैठ जाता है आपको उसको क्या बोलते हैं, ओफिडियोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड साइनोफोबिया, साइनो किससे बना, डॉग से, जैसे होता है ना कि आपके टूथ से भी रिलेटेड हो जाता है कि इस तरह के दांत जो स्पेशली डॉग के दांत होते हैं वो किस लिए होते हैं, क्या खाने के लिए होते हैं, नॉनवेज खाने के लिए, तो ये कौन सा डर हो जाता है, लोगों को डॉग से डर लगता है कि अपने नेबर्स क्या नहीं जाएंगे, यहाँ पर डॉग होगा, लोगों के यहाँ जाने से डर लगता है, रिलेटिव क्या, अगर अचानक से आपको ये ऐसा डॉग दिख गया जो बहुत ज़्यादा कस के बाइट करता है या आपको बाइट करता है तो क्या बोलोगे आप, नहीं उनके यहाँ नहीं जाना, हमको डॉग है वहाँ पर, तो इस तरह की जो प्लेसेस को आप अवॉइड करते हो वो क्या हो जाएगा, साइनोफोबिया। जैसे क्रॉसिंग द स्ट्रीट टू अवॉइड पासिंग बाय योर नेबर, मतलब आपको अपने घर जाना है, सपोज आपका ये घर है, ये वाला घर है और यहाँ पे इनका डॉग है, आपको यहाँ जाना, तो यहाँ से डायरेक्ट ना जाके आप लॉन्ग रास्ता रूट कवर कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, किस वजह से कवर किया, डॉग से स्केप होने के लिए, डॉग से बचने के लिए, तो आपको कौन सा फोबिया हो जाएगा, साइनोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्राइपोफोबिया, फियर ऑफ इररेगुलर पैटर्न्स, जैसे आपने कई बार देखा होगा जिस तरह से वो होता है मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं इस टाइप से, ऐसे लोगों को भी बहुत तरीके की ट्रीट इश्यूज हो जाते हैं, अलग अलग टाइप की डिजीज होती है, कई बार पेड़ में होता है, कई बार आप घर पे देखते हो, इस टाइप के जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उनको देखने में जो एलर्जी होती है, जो फोबिया लगता है, डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स देखते हैं, अलग अलग इररेगुलर पैटर्न्स होते हैं उनसे जो डर लगता है, फियर ऑफ इररेगुलर पैटर्न्स, मतलब आपने कभी उनको पहले नहीं देखा अचानक से देख लिया है। और क्लस्टर ऑफ स्मॉल, क्लस्टर मीन्स होता है एक तरह से ग्रुप होता है, ऑफ स्मॉल होल मतलब छोटे छोटे होल्स का अगर आपने ग्रुप देख लिया है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइपोफोबिया। ऑफ स्मॉल होल्स और बम्स, छोटे छोटे दाने या छोटे छोटे होल्स को अपने एक साथ देख लिया, उस टाइप की जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं। फीलिंग अनकम्फर्टेबल और डिस्ट्रेस, अचानक से आपको अनकम्फर्टेबल लगता है व्हेन बुकिंग एट अ लोटस सीट, आप लोटस सीट देखते हो ना जिस तरह से उसके टॉप, उसको जब आप कट करते हो तो यहाँ पर बहुत छोटे छोटे से होल्स होते हैं, वो देख के उसको तो देख के आपको अजीब नहीं लगता होगा अगर आप खाते होगे, बट उस टाइप के कुछ लोगों को डिजीज़ भी होती है, कई बार अलग अलग पेड़ में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे आप, ट्राइपोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड
एस्ट्रोफोबिया, हमने पढ़ा था एस्ट्रोन, एस्ट्रोन किससे रिलेटेड होता है? एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉमर्स, ये किससे रिलेट होते हैं? स्टार से. और स्टार्स कहाँ पर होते हैं? स्काई में. वहाँ पे क्या क्या सिचुएशंस होती है देखते हैं. फियर ऑफ थंडर, जैसे बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं, तो लाइटनिंग, जब आपको लाइटनिंग से डर लगता है, बिजली की कड़कड़ाहट से डर लगता है कि बिजली गिर जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे? एस्ट्रोफोबिया. एस्ट्रो किससे रिलेटेड है? स्टार से रिलेटेड है. स्टार कहाँ पर होते हैं? स्काई में होते हैं, उससे रिलेट करके आप लर्न कर सकते हैं. फीलिंग पैरालाइज्ड विथ फियर ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म, जैसे ही अचानक से आपके यहाँ थंडर स्टॉर्म आता है, आपको पैरालाइज फील होता है. मीन्स पैरालाइज हो नहीं जाते हो, बट आपको ऐसा लगता है कि बिजली सच में यहीं पर गिरी है. बोलते हैं ना, यहीं कहीं पास में बिजली गिरी है, वहाँ पर गिरी है. नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर भी चेक करते हैं कि बिजली की आवाज़ आई थी, वो कहीं आसपास में गिरी है क्या? तो वो क्या हो जाएगा आपको? एस्ट्रोफोबिया हो जाएगा. नेक्स्ट वर्ड नेक्टोफोबिया. नेक्टोफोबिया क्या हो जाता है? किससे रिलेटेड होता है आपका? नाइट से रिलेटेड होता है. जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था नॉक्टुरल, जिनको रात को एक्टिव रहने की प्रॉब्लम होती है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम रात को ही पढ़ पाते हैं, उसी से रिलेटेड है नाइट से. फियर ऑफ डार्कनेस, कुछ लोगों को होता है अंधेरे से डर लगता है, नाइट से डर लगता है. जैसे रात होती है, उनको डर लगना स्टार्ट हो जाता है कि अब हम सोएंगे कैसे, यहाँ पे तो बहुत अंधेरा है, एटलीस्ट हमें नाइट लैम्प तो चाहिए होता है. तो क्या हो जाता है? रिफ्यूजिंग टू स्लीप, सोने से ही मना कर देंगे, नहीं यहाँ तो अंधेरा है. विदाउट अ नाइट लाइट और फीलिंग एंग्जियस इन डार्क एनवायरमेंट, बहुत ज़्यादा अगर अंधेरा है, वहाँ पे आपको कुछ भी रिफ्लेक्शन भी फील नहीं हो रहा है, एक नाइट लैम्प भी नहीं है, तो वहाँ पे आपको जब डर लगता है, उसको क्या बोलते हैं? नेक्टोफोबिया. नेक्स्ट वर्ड है आपका मीजोफोबिया. ये क्या हो जाता है? जर्म्स, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जर्म देख लेते हैं, कीड़े देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा डर्ट देखते हैं, उससे डर लगने लगता है. तो ये क्या हो जाता है? छोटे छोटे से जर्म्स आप देख लेते हो, क्या हाथों में जर्म्स हो जाएंगे, हमको इन्फेक्शन हो जाएगा, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको क्या बोलते हैं? माइजोफोबिया. फ्रीक्वेंटली वॉशिंग हैंड, कुछ लोग होते हैं ना कंटिन्यूस अपने बार बार हैंड को वॉश करते रहते हैं कि फिर जाएंगे फिर वॉश कर लेंगे, उस तरह का जो डर होता है कि हाथ में जर्म्स हो गए हैं. कई बार बच्चों में ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि अपने हैंड को रेगुलर वॉश करते रहते हैं तो लगता है हाथ में जर्म्स हो गए हैं. और अवॉइडिंग पब्लिक प्लेसेस टू रिड्यूस एक्सपोजर टू जर्म्स, पब्लिक प्लेस को भी लोग अवॉइड कर देते हैं कि एक वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ तो बहुत सारे जर्म्स होंगे, डिफरेंट काइंड के जर्म्स होंगे, हमको ये प्रॉब्लम हो जाएगी. तो उसको जो आप रिड्यूस करते हो ना, कि रिड्यूस एक्सपोजर ऑफ इन पब्लिक स्पेस, आप पब्लिक प्लेस पे ही जाना बंद कर देते हो, तो वो कौन सा फोबिया हो जाता है? मीजोफोबिया. नेक्स्ट है आपका वर्ड है हीमोफोबिया. इसको याद कर सकते हो आप हीमोग्लोबिन से. हीमोग्लोबिन कहाँ पर होता है? किसमें होता है? ब्लड में. तो उसको तो लर्न करना सबसे इजी है. ब्लड से क्या हो जाएगा? जिसको लोग अचानक से किसी का ब्लड देखते हैं, हाथ में कट हो जाता है या कोई चोट लग जाती है, तो वहाँ पर लोग ब्लड लो के ही डर जाते हैं. तो क्या हो जाएगा? फियर ऑफ ब्लड. अचानक से किसी ने किसी का ब्लड देखा, उससे डरना. फीलिंग फेंट, आपको ऐसा लगेगा फेंट हो रहे हो, बेहोश हो रहे हो. और नोजिया, मतलब आपको वॉमिट आ रही है एट द साइट ऑफ ब्लड और ड्यूरिंग मेडिकल प्रोसीजर. कुछ लोग होते हैं मेडिकल प्रोसीजर में, जब ऑपरेशन होता है या कुछ कट होते हैं बॉडी में, डॉक्टर्स वगैरह कट लगाते हैं, वहाँ पे ब्लीडिंग देखते हैं, उनको क्या होता है? फेंट हो जाते हैं, वो ऐसा लगता है वो बेहोश हो जाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? हेमोफोबिया, फियर ऑफ ब्लड. नेक्स्ट वर्ड है आपका थैनेटोफोबिया, फियर ऑफ डेथ और डाइंग. कुछ लोग होते हैं ना कि डर लग रहा है कि मर जाएंगे मर जाएंगे. किस तरह से? कॉन्स्टेंटली वरिंग अबाउट वंस ओन मॉर्टेलिटी. मॉर्टेलिटी मीन्स होता है मरने से रिलेटेड. जैसे आपने पढ़ा होगा मॉर्टीन, मॉर्टीन क्या होती है? मरने से रिलेटेड होती है. तो मॉर्टेलिटी मीन्स मरना. मॉर्टेलिटी और अवॉइडिंग डिस्कशन अबाउट डेथ. कुछ लोग होते हैं ना मरने के बारे में भी डिस्कश करते हैं कि मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या बनेंगे, किस तरह से स्वर्ग या नर्क का डिस्कशन करना, और हम पहले पिछले जन्म में क्या थे, फिर हम मर गए, मरने का डिस्कशन भी नहीं करेंगे और मरने के लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे. हम मर गए तो हम इस तरह मरे. तो वो जो डिस्कशन होता है, वो जो आपको परेशान कर रहा है, उस परेशान या डर को क्या बोलते हैं? थैनेटोफोबिया, फियर ऑफ डेथ और डाइंग. कॉन्स्टेंटली वरिंग अबाउट वंस ओन मॉर्टेलिटी, अपने ही डेथ के लिए डरना कि हम मर जाएंगे, या फिर उस टॉपिक पे भी डिस्कशन करने से अवॉइड करना. नेक्स्ट वर्ड
क्लोजोफोबिया, ये क्या होता है, जैसे लोगों को बोला जाता है ना कि आप पोडियम पे आइए, कुछ स्पीच दीजिए, आप कुछ वर्ड्स बोलिए, कई बार होता है, बहुत सीनियर पोस्ट पे भी होते हैं, वो भी पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं कि हम लोगों के सामने नहीं बोल पाएंगे, हम माइक पे नहीं बोल पाएंगे, हम अकेले में बोल लेंगे। तो जब आपको पब्लिक स्पीकिंग से माइक फोबिया होता है, पोडियम पे आने से डर लगता है, अपनी बात को बहुत सारे ग्रुप में बोलने से डर लगता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोजोफोबिया। अवॉइडिंग प्रेजेंटेशन, अगर आप प्रेजेंटेशन, अगर आप किसी भी MNC वगैरह में काम कर रहे हो या स्कूल में भी जॉब कर रहे हो, तो आपको प्रेजेंटेशन के लिए बोला जाता है कि आप वर्कशॉप है आप अटेंड कर लीजिए, तो आप बोलोगे नहीं हम ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे, बट हम पर्टिकुलर उस जगह पर आकर एक्सप्लेन कर नहीं पाएंगे, मेरे को हेजिटेशन हो रही है, तो वो जो आपको डर लगता है उसको बोलते हैं अवॉइडिंग प्रेजेंटेशन। और स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज़, बोलने को जो आपको मौका मिलता है अचानक से, कई बार होता है एक्सटेम्पोर भी होता है, कई बार अगर आपको प्रिपेयर्ड भी होते हो, एक्सटेम्पोर क्या होता है, एक्सटेम्पोर होता है विदाउट प्रिपरेशन, जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हो, एग्ज़ाम तो मिल जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या बहुत लेस फीस होती है, बट अचानक से चले जाते हो, अरे सिलेक्शन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं है, तो वो जो होता है विदाउट प्रिपरेशन, वैसे तो ये स्पीच के लिए होता है, स्पीच जो होती है उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर स्पीच, बट आप लोग अगर विदाउट प्रिपरेशन भी पढ़ाई करके चले जाते हो एग्ज़ाम देने, तो उसको भी बोलते हैं एक्सटेम्पोर। इसलिए पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वीडियो को लास्ट तक देखना है विदाउट स्किप किए हुए। अपॉर्चुनिटी ड्यू टू एक्सट्रीम एंजाइटी, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी, जैसे ही आपसे बोला जाएगा पोडियम पे आइए कुछ बोलिए या प्रेजेंटेशन दीजिए, सडनली आपके फेस का कलर चेंज हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लोजोफोबिया, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगना। नेक्स्ट सोशल फोबिया, ये तो अपने आप में ही क्लियर है, सोशल मीन्स समाज से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है, लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों से ही डरने लगने लगता है, जैसे फियर ऑफ सोशल सिचुएशन, फीलिंग इंटेंसली एंजियस इन सोशल गैदरिंग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, आप पार्टी अवॉइड कर सकते हो, वेदर वो फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, किसी भी तरह की पार्टी को अवॉइड करना और मीटिंग को अवॉइड करना, किस लिए कि वहाँ पे लोग मिलेंगे, लोगों को अवॉइड करने के लिए क्या हो जाएगा आपका, सोशल फोबिया हो जाएगा, ये तो अपने आप नाम से ही क्लियर है। नेक्स्ट इज ज़ेनोफोबिया, एक्स जो है A to Z में हमारा थोड़ा सा अलग हो जाता है, वर्ड एक्स, एक्स वो वाला एक्स नहीं जो आपको छोड़ के गया या छोड़ के गई है, ये हमारे क्लास का एक्स है, तो इसको याद रखना है, ये हमको छोड़ के नहीं गया है, बट ये हमसे दूर रहता है, तो एक्स हमसे, आप इससे भी याद कर सकते हैं अपने ही लेवल से, एक्स आपको छोड़ के गया वो आपसे दूर रहता है, उसी से याद कर सकते हैं। ज़ेनोफोबिया, फियर ऑफ डिसलाइक ऑफ स्ट्रेंजर्स, आपका एक्स क्या हो गया, आपसे स्ट्रेंजर बन गया है, तो आप उससे याद कर सकते हो, जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उनसे डर लगना, फॉरेनर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं ना फॉरेनर्स से डरते हैं, या बहुत ज़्यादा अजनबी लोगों से डर लगना, तो उसको किससे याद करेंगे, एक्स से। अवॉइडिंग नेबरहुड, पड़ोसियों को ही अवॉइड करना विद डाइवर्स पॉपुलेशन, मतलब वो वहाँ पे अलग अलग स्टेट के या अलग अलग कंट्री के लोग आपके नेबर में रह रहे हैं यहाँ के, तो आप उनको भी अवॉइड करो क्योंकि आपको उनसे डर लग रहा है, वो आपके लिए स्ट्रेंजर्स हैं। और फीलिंग अनईजी, आपको अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है लोगों से बात करने में। अराउंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, अगर डिफरेंट कल्चर्स के, वेदर वो इंडिया के ही हों लेकिन अलग डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के हों, मतलब कोई नॉर्थ ईस्ट का हो, कोई साउथ का हो, या डिफरेंट कंट्रीज से हो, तो आप उनसे नेबरहुड में आप उनसे बात नहीं कर पाओगे, आप उनके साथ पड़ोसी नहीं रहना पसंद करोगे, आपको क्या हो जाएगा, अनईजी फील होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, ज़ेनोफोबिया। तो ज़ेनोफोबिया आप किससे याद करोगे, एक्स से। नेक्स्ट वर्ड एंग्लोफोबिया, एंग्लोफोबिया ज़ेनोफोबिया से ही रिलेटेड है, एंग्लो मीन्स एंगल से, आप एंग्लो से याद कर सकते हो, एंग्लो मीन्स अंग्रेजी होता है, इंग्लिश आपको बोला जाता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा एक वर्ड अंग्रेजी भाषा, तो जो अंग्रेजी भाषा का वहाँ पे यूज़ किया गया एंग्लो इंडियन, एंग्लो मीन्स ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश के होते हैं उनसे डर लगना, फियर ऑफ ब्रिटिशर्स, जब ब्रिटिशर्स से आपसे स्पेशली इंग्लिश पीपल से आपको डर लगता है, उसको क्या बोलते हैं, एंग्लोफोबिया। एंग्लो सो आप याद कर सकते हो, एंग्लो मीन्स इंग्लिश, एंग्लोफोबिया इज द फियर और डिसलाइक ऑफ इंग्लैंड और इंग्लिश पीपल, जो इंग्लैंड के लोग होते हैं या इंग्लिश पीपल जिनको आप कह सकते हो, ऑफ्टन रूटेड इन स्टीरियोटाइप, मतलब आपने ये स्टीरियोटाइप ही बना लिया कि वहाँ के लोग ऐसे ही होते हैं, वो वैसे ही रहेंगे, आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया, तो उसको क्या बोलेंगे, एंग्लोफोबिया। और दूसरा क्या था, ज़ेनोफोबिया,
जेनोफोबिया में फॉरेनर्स होंगे और एंग्लोफोबिया में केवल स्पेशली कहाँ के लोगों की बात करेंगे हम, जो इंग्लिश पीपल या ब्रिटिशर्स होते हैं। इसमें आपके स्ट्रेंजर्स भी हो सकते हैं, ये इंडिया के भी आपके सेम कंट्री के भी होते हैं बट डिफरेंट कल्चर से या डिफरेंट स्टेट्स होते हैं। नेक्स्ट वर्ड एंटमोफोबिया, हमने पढ़ा था एंटमोलॉजी। लॉजी मीन्स टू स्टडी, पढ़ाई करना, जो आप लोगों से होती नहीं है। एंटोमो मीन्स क्या होता है, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट मीन्स कीड़े। तो जब हमने डिफरेंट टाइप, बहुत सारे अलग अलग इंसेक्ट की भी स्पेसीज होती है, उस पर रिसर्च करते हैं, उनके बारे में जब स्टडी करते हैं, घर पे लेके एक कीड़े को पकड़ के स्टडी नहीं करनी है, प्रॉपर जो उस पर रिसर्च होती है उसको बोलते हैं एंटमोलॉजी। जैसे फियर ऑफ इंसेक्ट, हर तरह के इंसेक्ट से डर लगना, कोई भी इंसेक्ट हो, उसमें स्पाइडर भी इंक्लूडेड है। स्पाइडर जो है आपका एंक्रोफोबिया वो डिफरेंट हो जाएगा, उसमें पर्टिकुलरली आपको स्पाइडर से डर लग रहा है, यहाँ पे डिफरेंट काइंड के इंसेक्ट से डर लग रहा है, उसको क्या बोलते हैं एंटमोफोबिया। रिफ्यूजिंग टू गो कैंपिंग और हाइकिंग ड्यू टू फियर ऑफ इनकाउंटरिंग इंसेक्ट। आप कई बार जाते हो ना हाइकिंग वगैरह, या फिर कहाँ पे जाते हो, कैंपिंग पे जाते हो, आप टेंट वगैरह लगाते हो, डिफरेंट टाइप के कीड़े आके आपको काट लेते हैं, वो किस लिए अवॉइड किया आपने, कि वहाँ पे इंसेक्ट रहेंगे वो हमको काट लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपको एंटमोफोबिया। और एंटमोलॉजी क्या हो जाएगी आपकी, इंसेक्ट के बारे में स्टडी करना। तो आप प्रॉपर स्टडी करके जाओ कि हम कौन सा ऑइंटमेंट लगाएं हमको नहीं काटे, फिर उसके बाद आप कैंपिंग कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड मेट्रोफोबिया और फियर ऑफ फ्लाइंग, लोगों को उड़ने से डर लगता है, किस तरह से, फीलिंग पैनिक, पैनिक मींस डर लगना, पैनिक हो जाना। कुछ लोगों को एग्जाम से डर लगता है, कुछ लोगों को बुक से डर लगता है, तो वही होता है पैनिक हो जाना। और एंजियस व्हेन बोर्डिंग, जैसे ही आप प्लेन में चढ़ते हो आपको डर लगने लगता है, स्टार्ट हो जाता है बोर्डिंग। मीन्स प्लेन के लिए बोर्डिंग पे आप जाते ही हो, बोर्डिंग पास बनवाते हो, और बुकिंग ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट जैसे ही बुक हुई वहीं से डर लगना शुरू हो गया, फ्लाइट टेक ऑफ होगी, फ्लाइट लैंड होगी, कैसे उतरेंगे, प्लेन क्रैश तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं है, जो फ्लाइट में आपका पायलट उसको दिखता है प्रॉपर कि नहीं दिखता है उसको, अगर आप रात में, कई लोग होते हैं ना रात में भी फ्लाइट लेते हैं, अरे ऐसा तो नहीं है पायलट को कुछ इशू हो, आँखों में दिखता नहीं हो, तो उस टाइप का जो भी आपको जिस भी अलग अलग थॉट होते हैं उसके लिए हो जाता है ये वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्वाफोबिया। एक्वेटिक एनिमल्स, कौन से एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कहाँ रहते हैं, सिर्फ वाटर में रहते हैं। जैसे पढ़ा होगा ना एक्वा गार्ड, एक्वा गार्ड क्या करता है, आपके पानी को ही गार्ड करता है ना, पानी की क्वालिटी को प्योर करता है, तो एक्वा मीन्स क्या हो जाता है, पानी से रिलेटेड हो जाता है। फियर ऑफ वाटर, जिनको पानी से डर लगता है, जैसे अवॉइडिंग स्विमिंग पूल्स, स्विमिंग पूल में जाने से अवॉइड करते हैं कि हम जाएंगे तो वहाँ पे डूब जाएंगे। लेक्स और ओशंस ड्यू टू फियर ऑफ ड्रोनिंग, ड्रोनिंग मीन्स होता है डूबना, अगर इंसान डूब रहा है तो ड्रोनिंग, और किसी चीज़ का डूब रहा है तो वो सिंक हो जाएगा। जैसे अवॉइडिंग स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल को अवॉइड करना किसकी वजह से, ड्रोनिंग की वजह से, उसको बोलते हैं एक्वाफोबिया। नेक्स्ट हो जाता है एवियोफोबिया। एवियो मीन्स होता है, आपने एक स्कूटी देखी होगी, एविएटर, एविएटर और एक्टिवा, एविएटर किससे बनी होती है, एविएटर किसके लिए रिलेट होता है, एविएटर मीन्स होता है फ्लाई, उड़ना, एविएटर मीन्स फ्लाई, मतलब आप ऐसे स्कूटी का नाम ऐसे कि आप स्कूटी चलाओगे आपको फील होगा कि आप क्या कर रहे हो, उड़ रहे हो। एक होता है एविएशन सेंटर, जो आपका फ्लाइट वगैरह का होता है ना, जहाँ पर उसके लिए होता है, उसको बोलते हैं एविएशन सेंटर, हिंदी में बोलेंगे उड्डयन सेंटर, उड्डयन केंद्र, तो उड़ने से रिलेटेड हो जाता है एविएशन। एक कल्चर भी आपने पढ़ा होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, एविकल्चर, एवियरी, एवियरी होता है ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, जहाँ पर किसको रखा जाता है, बर्ड्स को, और बर्ड्स का काम क्या होता है, फ्लाई करना, उड़ना, तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, एवियरी मीन्स ऐसा घर जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है, एविएटर जो फ्लाई करने में इजी हो, एविएशन सेंटर क्या हो जाएगा जो फ्लाइट से रिलेटेड हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एवियोफोबिया, कौन सा फोबिया हो जाएगा, फियर ऑफ फ्लाइंग। आपको उड़ने से जब भी डर लगेगा तो आप क्या बोलोगे, आपको कौन सा फोबिया, एवियोफोबिया है, एवी मीन्स उड़ने से रिलेटेड। और एक और वर्ड होता है आपका, दूसरा एक वर्ड हो जाता है एपी, अपियरी, जैसे अवियरी है, दूसरा हो जाता है अपियरी। इसका एपिकल्चर रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछा गया, उसका मीन्स होता है बीज, बीज होता है,
ए प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट, जो हनी हमको प्रोड्यूस होता है लोगों से, बीज से, वो कहाँ से हो जाएगा आपका, अपियरी होता है. अपियरी मीन्स जहाँ पे बीज को रखा जाता है, और इस जो हनी प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अपिकल्चर. जब हम बीज की एक तरह से उसका पालना, रियरिंग करना, रियरिंग मीन्स रियरिंग ऑफ बीज कहलाता है एपिकल्चर, और रियरिंग ऑफ बर्ड्स कहलाता है एविकल्चर. तो अपने वर्ड पर आते हैं, फीलिंग इंटेंस एंजाइटी और पैनिक किस वजह से हो रही है, अटैक्स व्हेन बोर्डिंग ऑन प्लेन. मतलब आपको पैनिक अटैक आने लगते हैं कि जैसे ही हम बोर्डिंग करेंगे ऐसा तो नहीं प्लेन क्रैश हो जाएगा या कोई अटैक कर देगा, उस टाइप का जो भी आपको एंजाइटी फील होती है उसको क्या बोलेंगे, एवियोफोबिया. चलिए, अगर क्लास आपको इंटरेस्टिंग लग रही है और इम्पॉर्टेंट लग रही है तो वीडियो को फुल शेयर देखें भी, और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट वर्ड है कैंसरफोबिया. जैसे ही आपने देखा कैंसर वर्ड, यहाँ पे भी आप देख लो लोगों को क्या होता है, कॉन्स्टेंटली वरिंग अबाउट हैविंग कैंसर. जैसे ही लोगों ने देखा कि हमको कुछ तरह का कुछ बॉडी में अलग अलग सिम्टम्स फील हो रहे हैं कि कैंसर के क्या सिम्टम, जैसे गूगल किया, सबसे पहले जाके देखा कैंसर के क्या सिम्टम हो रहे हैं, अच्छा ये सिम्टम होता है, अच्छा यहाँ पे शरीर में बॉडी में इस तरह की गांठ होनी चाहिए, आपको स्वेट होना चाहिए, आपको इस तरह का वीकनेस आ रही है, जो भी सिम्टम उसमें दिख रहा है. अगर आपको उसने बोले 10 सिम्टम, अगर आपको 7 सिम्टम दिख रहे हैं तो आपने अपने आप अज्यूम कर लिया नहीं हमको तो कैंसर हो गया है, विदाउट आपने चेकिंग करवाए. हो सकता है वो कुछ और भी हो, माइन्यूट सा कुछ हो, लेकिन नहीं हमको तो कैंसर. उस तरह का जो भी आपको डर लगता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंटली वरिंग अबाउट हैविंग कैंसर और अवॉइडिंग मेडिकल चेकअप. आप मेडिकल चेकअप भी नहीं कराते कि क्या पता हो सकता है हमको कैंसर का ही इशू हो जाए. आप ड्यू टू मेडिकल चेकअप्स, ड्यू टू फियर ऑफ डायग्नोसिस, जैसे ही आपने डायग्नोसिस कराया, उस पर रिसर्च कराई कि मुझे भी जो भी मेडिकल चेकअप्स हैं उसमें क्या ना आ जाए, कैंसर वगैरह ना हो जाए, तो उसको क्या हो जाएगा आपका, ये वाला फोबिया हो जाएगा. नेक्स्ट वर्ड है आपका नेक्रोफोबिया. नेक्रोफोबिया होता है लोगों को मरने से या डेड बॉडी देखने से जो डर लगता है, फियर ऑफ डेथ, मरने से या डेड थिंग्स, जो भी मरी हुई चीज़ें, वेदर वो ह्यूमन बींग्स की डेड बॉडी हो या आपका शमशान घाट होता है, जैसे कॉप्स वगैरह लोग देख लेते हैं, उससे जो डर लगता है, पोस्टमार्टम वगैरह, जहाँ पर भी डेथ से रिलेटेड चीज़ है, चाहे वो बॉडी हो, चाहे खुद की डेथ हो या कोई भी चीज़ उससे रिलेटेड हो, उससे जब आपको डर लगता है तो नेक्रोफोबिया हो जाता है. ये भी इम्पॉर्टेंट वर्ड है. एग्जाम्पल, अवॉइडिंग फ्यूनरल्स. फ्यूनरल्स मीन्स जो आपका आफ्टर जो डेथ होता है, वो जो रूल्स होते हैं उसमें रिचुअल्स होते हैं उसको बोलते हैं. और बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ डिसीज इंडिविजुअल, मतलब कोई भी अगर किसी भी तरह की डेथ हो गई, उस टाइप की चीज़ों को अवॉइड करना डर के कारण, उसको क्या बोलते हैं, नेक्रोफोबिया. एर्गोफोबिया क्या होता है, जैसे कि आप किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से डरते हो कि नहीं हम तो ये काम नहीं करेंगे, हमसे हो नहीं पाएगा. फियर ऑफ वर्क और फंक्शनिंग, किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से जो डर लगता है उसको क्या बोलते हैं, एर्गोफोबिया. अवॉइडिंग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, आपको किसी भी चीज़ का इंचार्ज बनाया गया या हेड बनाया गया, तो आप क्या बोलोगे, नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा. आपको कोई भी काम देना, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, वो फॉर्मल हो या फिर आपके घर पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो आप मना कर दोगे, नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा. और फीलिंग एंजियस अबाउट गोइंग टू वर्क, जैसे ही आपका ऑफिस का टाइम स्टार्ट होता है 10 o'clock, जैसे ही आप देखते हो कि 9:45 हो गए, वैसे ही आपका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर वो एकदम से चेंज होने लगता है, अरे ऑफिस जाना पड़ेगा, हमको ये काम करना पड़ेगा, उस तरह की जो आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड करते हो उसके लिए जो डर होता है उसको बोलते हैं एर्गोफोबिया. नेक्स्ट वर्ड है टेक्नोकोफोबिया. टेक्नोलॉजी से, वैसे तो ये डर आप लोगों को नहीं होगा क्योंकि स्मार्टफोन चलाना और इंस्टा की रील तो अवॉइड ही नहीं हो सकती हैं, पढ़ाई अवॉइड हो सकती है. पढ़ाई के टाइम पर आपको टेक्नोलॉजी से डर लग जाएगा कि पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई तो होती नहीं है, बट इंस्टा की रील नहीं अवॉइड होती है. फियर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो पढ़ाई के में आपको टेक्नोफोबिया नहीं टेक्नोमैनिया होना चाहिए. अवॉइडिंग यूजिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर को यूज़ करना अवॉइड किया. और स्मार्टफोन ड्यू टू फियर ऑफ मेकिंग
मिस्टेक्स और टेक्नोलॉजी फेलियर्स, मतलब आपको लगेगा जैसे कई बार पेरेंट्स होता है या बहुत ओल्ड एज के लोग होते हैं ना, कि उनको लगता है हमने टच कर दिया स्मार्टफोन को, ऐसा तो नहीं कुछ बंद हो जाएगा या इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो कहते हैं नहीं हमको स्मार्टफोन नहीं यूज़ करना, मेरे लिए कीपैड फ़ोन बेटर है। तो उस तरह का जो डर होता है उसको क्या बोलते हैं, टेक्नोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट फोबिया आपका ट्राइस्टेकाफोबिया। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट भी है और मेरा भी फेवरेट है। में क्या होता है, जैसे आपने एक मूवी भी देखी होगी 13 भी, आर माधवन की मूवी थी। मूवी में क्या होता है कि वो जो फ्लैट में रहते हैं उस फ्लैट का नंबर क्या होता है, 13 भी। 13 लोगों को क्या होता है, 13 नंबर से डर लगता है। फॉरेन में ये कल्चर है कि आपका जो फ्लैट का अपार्टमेंट का नंबर होगा 12 होगा, आफ्टर देन 14 होगा, 13 नहीं होगा। उनका ये मानना है, वो इस बात पे थोड़ा सा विश्वास करते हैं कि 13 नंबर जो है वो घोस्ट से रिलेटेड होता है, भूतों से रिलेटेड होता है। तो क्या हो जाता है, फियर ऑफ द नंबर 13, मतलब अगर आपको 13 नंबर से डर लगता है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइस्टेकाफोबिया। फोबिया फीलिंग एंजियस और अवॉइडिंग एक्टिविटीज शेड्यूल ऑन द 13th ऑफ द मंथ। अगर किसी का भी 13 को कोई भी बर्थडे होता है वो भी नहीं सेलिब्रेट करेंगे कि 13 है, मतलब भूत से रिलेटेड या घोस्ट से रिलेटेड हो जाता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका नोमोफोबिया। आपको लोगों को तो होगा इस तरह का फोबिया, जैसे ही मोबाइल का कवरेज जाता है या वाईफाई का कनेक्शन जाता है तुरंत आप लोगों को टेंशन होने लगती है, अरे मेरा फ़ोन कहाँ है, इसमें तो नेटवर्क नहीं हो रहा है, आप वाईफाई दोगे क्या, आप हॉटस्पॉट शेयर करोगे। तो इस तरह का जो टेंशन हो जाता है आप लोगों को, डर लगने लगता है। फियर ऑफ बीइंग विदाउट मोबाइल फ़ोन कवरेज, जैसे ही आपका कवरेज गया, अगर आप थोड़ा सा भी ऐसी जगह पर जाते हो जहाँ पर मोबाइल फ़ोन की कवर नहीं हो रही है, वहाँ पर जैसे आप थोड़ा सा रूरल एरिया में चले गए या फिर आप कुछ ऐसी जगह चले गए जैसे लद्दाख वगैरह चले गए, वहाँ पे क्या हो रहा है, आपको पोस्टपेड फ़ोन यूज़ करना होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, कवरेज नहीं मिलती फ़ोन की, उस तरह का जो टेंशन होता है आप लोगों को, स्पेशली आप ही लोगों को होता है, तो उसमें क्या बोलते हैं, नोमोफोबिया। फीलिंग पैनिक्ड, पैनिक फील करना और एंग्जियस व्हेन अनेबल टू यूज़ अ सेल फोन। आपको लगेगा जैसे हम सेल फोन यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, हमको नहीं मिल रहा है किसी भी तरह का, ड्यू टू नो सिग्नल, उसमें सिग्नल नहीं आ रहा, लो बैटरी हो रही है। जैसे ही बैटरी होती है ना, कुछ लोगों की आदत होती है वो क्या करते हैं, फ़ोन में 1% बैटरी है या बैटरी जो है डेटा सेविंग मोड पर है तो उसको चार्जिंग पर लगा के यूज़ करते हैं, अरे फ़ोन डिस्चार्ज हो जाएगा, हम रील कैसे देख पाएंगे, रील्स इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। अच्छा, आपको जिसको भी ये फोबिया है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा, आपको कौन सा फोबिया है, स्पेशली ये वाला फोबिया। नेक्स्ट वर्ड, एलियोरोफोबिया। जब आप घर में देखते हो ना कि कैट होती है, कुछ लोगों को डॉग से डर लगता है, साइनोफोबिया, और कुछ लोगों को कैट से डर लगता है, फियर ऑफ कैट्स, जिनको बिल्लियों से डर लगता है। अवॉइडिंग प्लेसेस वेयर कैट्स मे बी प्रेजेंट और फीलिंग अनइजी, मतलब जैसे ही आपने बिल्ली की आवाज़ सुनी आपको लगेगा बिल्ली ऐसा कर सकती है, आपको बाइट कर सकती है, उस तरह का जो फियर होता है उसको क्या बोलते हैं, एलियोरोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका एंथोफोबिया। एंथो जो है आपका किससे रिलेटेड होता है, फ्लावर से रिलेटेड होता है, फूलों से रिलेटेड। कुछ लोगों को फूलों की स्मेल से इरिटेशन होती है कि नहीं, जैस्मिन की या बहुत ज़्यादा इंटेंस फ्लावर को देख लिया उसकी स्मेल आ गई तो उससे भी परेशानी होने लगती है, फियर ऑफ फ्लावर्स। फीलिंग एंजियस और अनकंफर्टेबल, अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है फ्लावर की शॉप पे जाते हो, जैसे किसी फ्लोरल शॉप पे, फ्लोरल क्या होता है, फ्लोरल मीन्स ही होता है फ्लावर से रिलेटेड, इसीलिए कई बार देखते हैं ना फ्लोरल शर्ट फ्लोरल ड्रेस आप सर्च करते हो तो फ्लोरल मीन्स होता है फ्लावर से रिलेटेड। शॉप और गार्डन, जहाँ पर भी आपने फूलों का गार्डन या शॉप देखी उस जगह को जब आप अवॉइड करते हो तो उसको बोलते हैं एंथोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड आइट्सकोफोबिया। फियर ऑफ फेलियर, जिनको डरने से मतलब हारने से डर लगता है कि हम एग्ज़ाम देंगे फेल हो जाएंगे, एग्ज़ाम में क्या होगा, ऐसा तो नहीं हम फेल हो जाएंगे, या कोई भी काम करने से डर लगता है कि हम जाएंगे, हमने माउंटेन क्लाइंबिंग भी करी ऐसा तो नहीं हम गिर जाएंगे, किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप ले रहे हो आपको डर बैठ रहा है कि हमें फेल हो जाएंगे, तो क्या होता है अवॉइडिंग चैलेंजेस आपने लाइफ में, इसीलिए बोलते हैं ना कि आपका चलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टेंशन लिए हुए कि आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा कि नहीं, या तो आप उससे सीखोगे कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ पर, किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है, और या फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, दो ही ऑप्शन होंगे, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। फेलियर जैसे वर्ड से बेटर है कि आप उससे सीखो कि हमारी स्पीड कितनी कम है, कहाँ पर हमने मिस्टेक की है, कौन सा टॉपिक हम ज़्यादा पढ़ें। अवॉइडिंग चैलेंजेस और
अपॉर्चुनिटीज फॉर फियर ऑफ नॉट सक्सीडिंग। आप मतलब आपने उस अपॉर्चुनिटी को खो दिया जहाँ से आपका नेम और फेम हो सकता था, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। लोगों से बोलते हैं ना कि आप अपनी बात को कहिए या अपनी बात रखिए, हो सकता है आप सक्सेसफुल हो जाए। पब्लिक स्पीकिंग में यही तो होता है, सक्सेसफुल आप बन सकते हो अच्छी स्पीच दे के। लेकिन क्या हुआ, सक्सेस ना होने की वजह से जो आपको डर आता है कि हम क्या हो जाएंगे, फेल्योर मिल जाएगा, उस तरह का जो डर होता है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑटोफोबिया। ऑटो वो वाला नहीं जो पापा बोलते हैं कि एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा तो वो दिला देंगे। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ। फियर ऑफ बीइंग अलोन, लोगों को डर लगता है कि हम अकेले रह जाएंगे। ऐसा तो नहीं मैंने पढ़ाई नहीं की या सक्सेसफुल नहीं हुआ तो लोग हमसे बात करना बंद कर देंगे या फैमिली वाले हमको छोड़ देंगे, उस तरह का जो डर होता है। और आइसोलेटेड, आइसोलेट तो आपको सभी को पता होगा, कोरोना ने सबको सिखा दिया है कि अगर आपको कोविड होता है तो आप क्या करेंगे, आइसोलेट हो जाएंगे। आइसोलेट मीन्स अलग रहना, आपको एकदम अलग कर दिया जाता था ना फैमिली मेम्बर से भी, तो मीन्स आइसोलेट और अलोन मीन्स अकेले होना। तो ऑटोफोबिया, ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ होता है, प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो सेल्फ वाला फोबिया कौन सा हो जाएगा, अकेले रहने का डर। फीलिंग एंग्जियस व्हेन होम अलोन, जैसे घर में देखते हो ना कि फैमिली पूरे पेरेंट्स और सिबलिंग्स होते हैं, अचानक से वो सारे चले जाते हैं किसी पार्टी में और आप एग्जाम या ऑफिस की वजह से घर पे अकेले रहते हो, तो फिर जो आपको डर लगता है उसमें जो आपको एंजाइटी होती है उसको बोलते हैं अवॉइडिंग सॉलिटरी। सॉलिटरी मीन्स अकेले रहना, अलोन, सॉलिट्यूड, एक्टिविटीज, अकेले रहने वाली कोई भी एक्टिविटी हो जिसमें आपको अकेले इन्वॉल्व होना हो तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका, ये है आपका फेवरेट, बिब्लियोफोबिया। आपका फेवरेट है मीन्स पढ़ाई से रिलेटेड है, क्या हो जाएगा, जैसे आपसे बोल देते हैं घर वाले कि सारा दिन फ़ोन से क्या पढ़ते हो, तो आप बोलते हो तो फ़ोन में ज़्यादा अच्छे से टेक्नोलॉजी दिखती है, तो बुक को भी पढ़ना चाहिए। एक बार आपने फ़ोन से पढ़ लिया, अब आप बुक से आप अपना रिवीजन कर सकते हो, प्रीवियस पेपर देख सकते हो। तो जिनको बुक से डर लगता है, बिब्लियोग्राफी आपने पढ़ा होगा, कई बार जब आप स्कूल वगैरह में प्रोजेक्ट देते हो तो लास्ट पेज में आपको एड ऑन करना होता है ना, बिब्लियोग्राफी मीन्स आपने कौन कौन सी बुक्स का रेफरेंस लिया है। तो बुक क्या हो जाएगा, जिनको बुक से डर लगता है उनको क्या हो जाएगा, बिब्लियोफोबिया। और जिनको बुक से प्यार होता है, बुक पढ़ना पसंद होता है, उनको क्या बोलेंगे, बिब्लियोमैनिया, और इसका सिनोनिम हो जाएगा बुक वॉर्म। वॉर्म मीन्स क्या होता है, इंसेक्ट कीड़ा, कहते हैं ना किताबी कीड़ा हो, सारा दिन किताब ही पढ़ते रहते हो, बट ये एक पॉजिटिव वर्ड है बुक वॉर्म। बुक वॉर्म बहुत अच्छा वर्ड है, किताबें पढ़ना ज़रूर चाहिए, वो आपके कोर्स से रिलेटेड हो या फिर आपको कुछ इंस्पिरेशनल बुक्स हो तो उसको पढ़ने से आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकते हो, जस्ट बिकॉज वो बुक्स उन्होंने लिखी है जो बहुत सक्सेसफुल पर्सन होते हैं। तो आपको बिब्लियोफोबिया से हट के बिब्लियोमैनिया में जाना है और बेटर फ्यूचर। आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको बुक वॉर्म बनना है, किताबी कीड़ा बनना है, बन जाइए आपके बेटर फ्यूचर के लिए। फियर ऑफ बुक्स, फीलिंग अनईजी और अवॉइडिंग लाइब्रेरी और बुक्स। कुछ लोग होते हैं ना, बुक जैसे बोलते हैं नींद नहीं आ रही तो कहते हैं बुक खोल लूँ, बुक खोलते ही नींद आ जाती है, तो वो उनको क्या होती है, बिब्लियोफोबिया। आपको नींद नहीं आनी है, बुक को देख के एक्टिव होना है। नेक्स्ट वर्ड है आपका टाइनोफोबिया, फियर ऑफ स्नो। कुछ लोगों को बर्फ से डर लगता है, स्नोफॉल होता है ना उससे रिलेटेड होता है। फीलिंग एंजियस और अवॉइडिंग ट्रैवल टू स्नोई रीजन मीन्स क्या होता है, एक होता है रीजन का मीन्स होता है कारण, कि आप रीज़न दीजिए कि ये चीज़ ऐसी क्यों है, और रीज़न मीन्स होता है एरिया। तो स्नोई रीज़न मतलब ऐसा रीज़न, ऐसा एरिया जहाँ पे क्या होता है, स्नोफॉल हो रहा है, तो ऐसी जगह को अवॉइड करना। क्यों, यहाँ पे आपको क्या होता है, एनजाइटी फील होती है, अवॉइड ट्रैवलिंग टू स्नोई रीज़न, तो क्या हो जाएगा आपको, स्नोई फोबिया। नेक्स्ट है आइफोबोफोबिया, फियर ऑफ यूथ। लोगों को क्या होता है, कुछ लोग होते हैं ना जिनको यूथ से डर लगता है, वैसे तो आप लोगों को नहीं डर लगेगा, आप लोग खुद यूथ में हो, और किससे, टीनेजर से, जिनको डर लगता है कि वहाँ पे छोटे बच्चे होंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे या हमको अनईजी कर देंगे, वहाँ पे जाते हमसे किस तरह से बिहेव करेंगे। कुछ होते हैं ना जो 35 या 40 प्लस लोग होते हैं, उनको ये डर बहुत ज़्यादा होता है। फीलिंग अनईजी और अवॉइडिंग प्लेसेस वेयर टीनेजर्स गैदर, जहाँ पे भी टीनेजर्स गैदर होते हैं उनको अवॉइड करना, उसको बोलते हैं आपका आइफोबोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है गैफ्रीफोबिया, फियर ऑफ ब्रिजेस। गिर से याद कर सकते हैं, गेफिर मीन्स फिर से गिर गए, तो ब्रिजेस से क्या होता है, ये याद करने का तरीका है, मीनिंग नहीं है।
फियर ऑफ ब्रिजेस, अगर आपको ब्रिज से डर लग रहा है कि हम ब्रिज पे चढ़ेंगे ऐसा तो नहीं ब्रिज टूट जाएगा या हम इससे गिर जाएंगे, तो वो जो डर होता है उसको बोलते हैं अवॉइडिंग ड्राइविंग ओवर ब्रिजेस। ओवर ब्रिजेस मतलब जो ओवर ब्रिज को ओवर ब्रिज क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एक एरिया से दूसरे एरिया को क्रॉस कर रहे होते हैं। ड्राइविंग ओवर ब्रिजेस और फीलिंग पैनिक वैन क्रॉसिंग दैम, जैसे आप ब्रिज को कई बार क्रॉस कर रहे होते हो ना, बहुत ज़्यादा उसमें अगर इस टाइप की लाइनिंग्स होती है और इस तरह का ओवर ब्रिज होता है तो भी आपको डर लगता है, ऐसा तो नहीं हमारी जो गाड़ी है जो हमारा पैर उसमें फंस जाएगा या टूट जाएगा या हम गिर जाएंगे, तो उस तरह का जो डर लगता है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका हाइपोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग टच, उसको क्या बोलेंगे, फीलिंग एंग्जाइटी और अवॉइडिंग फिजिकल कॉन्टेक्ट विथ अदर्स। जैसे आपको हैंडशेक करने से लोगों से डर लगता है, हग करने से जो डर होता है उसको बोलते हैं हाइपोफोबिया। नेक्स्ट है हाइपोकॉन्ड्रिया, इम्पॉर्टेंट वर्ड है आपका, फियर ऑफ इलनेस। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे ये कुछ रिलेटिव होते हैं, क्या आपने उनको बताया हमको बीपी का इशू है, हमको भी इशू है, और फिर घर या फिर आपने किसी भी डिजीज़ का कोई भी प्रॉब्लम का अपने इशू डिस्कशन किया, वो घर जाते चेकअप, मुझे भी ऐसे सिम्टम्स फील हो रहे हैं, मुझे फीवर भी आ रहा है, मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे स्मेल नहीं आ रही है, इस टाइप का अचानक से ये जो आपको एंजाइटी फील होने लगती है, फिर आप चेकअप के लिए जाते हो डॉक्टर के पास कि मुझे ये भी बीमारी, मुझे अंदर से ये लग रहा है, भले ही वो आप सिर्फ फील कर रहे हो, वो एक्चुअल में नहीं होता है। फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली मतलब ऑफ्टन, अक्सर जाना, कहाँ, विजिटिंग डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के पास और हॉस्पिटल डिस्पाइट बीइंग हेल्दी। अगर आप हेल्दी हो उसके बाद भी अगर आप कहाँ जा रहे हो, डॉक्टर्स के पास रूटीन मेडिकल चेकअप्स के लिए जा रहे हो, अननेसेसरी जा रहे हो, मीन्स रूटीन चेकअप तो अलग हो गया, आप अननेसेसरी चेकअप के लिए जा रहे हो, मुझे कैंसर सा फील हो रहा है, जैसे कोविड में बहुत लोगों को हुआ था। कोविड में क्या हुआ था कि हम घर पे रहते थे, सिर्फ ओवर थिंकिंग करते थे, तो वहाँ पे क्या था कि मुझे सांस, मुझे स्मेल नहीं आ रही है, मुझे खाने में टेस्ट नहीं लग रहा है, तो वहाँ पे क्या था कि एक बार कोविड का चेकअप करा लेते हैं। ऐसा तो नहीं कोविड हो गया, हल्का सा भी फीवर हुआ कोविड हो गया, तो वो जो आपको फ्रीक्वेंटली चेंजेस हो रहे थे माइंड में कि हमको ऐसा प्रॉब्लम है, उसको क्या बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। फ्रीक्वेंटली विजिटिंग डॉक्टर्स और चेकअप करवाना हाइपोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका लिलाप्सोफोबिया, टॉर्नेडो, मतलब जो ये टॉर्नेडो और आपके हरिकेन्स वगैरह आते हैं ना, तूफान आते, जो चक्रवात जैसे आप जिस तरह से बोल सकते हो, उसका जो डर लगता है। फीलिंग इंटेंस एंजाइटी, बहुत ज़्यादा आपको एंजाइटी फील होती है, ऑब्वियस सी बात है इसमें तो होनी भी चाहिए। इसमें जिसको एंजाइटी फील नहीं होती वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसमें किसको डर नहीं लगता है। एंजाइटी ड्यूरिंग सीवियर वेदर वार्मिंग, जैसे आपको वेदर की वार्निंग दी जाती है कि बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब होने वाला है, आप अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं, वो जो फोबिया होता है उसके लिए बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ड मीज़ोफोबिया, कंटामिनेट क्या होता है, कंटामिनेट होता है गंदा होना, जैसे कि बोलते हैं वाटर कंटामिनेट हो गया, मतलब वाटर में कुछ केमिकल्स, जो बैड केमिकल्स होते हैं, कुछ गंदगी मिल जाती है, जैसे कि आप ड्रेनेज का जो वाटर है उसको क्या बोल सकते हो, कंटामिनेटेड वाटर होता है। विद डर्ट और जर्म्स, जिसमें क्या धूल मिल जाती है, जर्म्स मिल जाते हैं, जो भी गंदगी मिलती है, उस तरह के जो गंदा पानी होता है उसको लेके जो फोबिया होता है उससे बोलते हैं। अवॉइडिंग पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेस को अवॉइड करना, और ऑब्सेसिवली वॉशिंग हैंड, मतलब आपको बार बार हैंड को वॉश करने के लिए ऑब्सेशन फील होने लगे, टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, कि आपको गंदगी तो नहीं हो रही, कंटामिनेट तो हैंड नहीं हो रहे हैं, उसका जो फोबिया होता है उसको बोलते हैं आपका मीज़ोफोबिया। थैंक यू क्लास, आज की क्लास को फिर यही रखते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।